हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रानू पाटीदार। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आप अगर प्री डायबिटिक है, यानी कि आपका शुगर लेवल अगर 140 से 200 के बीच है, तो इसे हम प्री डायबिटिक कहते हैं। तो अगर आपने भी अपना शुगर टेस्ट करवाया और वो अगर 140 से 200 मिलीग्राम के बीच में आता है, तो आप प्री डायबिटिक कहलाते हैं, यानी कि आप बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ की श्रेणी में आते हैं। तो क्या इसके लिए हमें ट्रीटमेंट यानी कि दवाई लेने की ज़रूरत है? तो मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी। अगर आप इन उपायों को फॉलो करते हैं, तो आपको डायबिटीज़ के लिए दवाई लेने की भी ज़रूरत नहीं होगी और आप अपना शुगर लेवल कम कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप प्री डायबिटिक हैं, तो आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए, जिससे कि आपको दवाई लेने की ज़रूरत ना पड़े और आपका शुगर लेवल भी डाउन हो जाए। तो सबसे पहला है कि आपको अपना वज़न कम करना है। अगर आप अपना वज़न 5 से 7% भी कम कर देते हैं, तो इससे टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। और दूसरा है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है। कम से कम आधे घंटे से लेकर 45 मिनट रेगुलर एक्सरसाइज करना है। इसमें आपको रेगुलर मॉर्निंग वॉक करना है, क्योंकि वॉक से शुगर लेवल बहुत जल्दी डाउन होता है। इसके अलावा आप एरोबिक्स करें, साइकिलिंग करें, या जो भी आपको एक्सरसाइज करना है वो आप करें, तो इससे आपको शुगर लेवल कम करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। और अगला तरीका है, आपको डाइट चार्ट फॉलो करना है, और इसमें भी आपको रेगुलर डाइट लेना है। ऐसा नहीं कि आप बहुत लेट तक खाना खाते हैं और उसके बाद सो जाते हैं, तो ये भी डायबिटीज़ का एक कारण होता है। तो आपको रोज़ रेगुलर समय पर खाना खाना है और बहुत लेट खाना नहीं खाना है। और नाइट में खाना खाने के बाद कुछ समय के लिए आपको वॉक जरूर करना चाहिए, इससे आपको शुगर लेवल कम करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो आजकल इंटरमिटेंट डाइट का चलन बहुत कॉमन है। तो इसमें क्या होता है कि आपको रेगुलर समय पर डाइट लेना होती है और बीच में कुछ समय के लिए फास्टिंग रहना होता है, तो इससे आपका वजन भी कम होता है और आपकी शुगर लेवल कम करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके अलावा डायबिटीज़ का एक और कारण होता है स्मोकिंग। तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं, तो स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि स्मोकिंग भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक कारण होता है। तो अगर आपने शुगर टेस्ट करवाया है और उसमें शुगर लेवल बढ़ा हुआ आया है, तो आपको स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। आपको अपने डाइट में फाइब्रस फूड को शामिल करना है, जिसमें आप हरी पत्तेदार सब्जियां, ताज़ा फल और चोकोर वाला आटा, यानी कि अगर आप रोटी बनाएं तो आटे को छान के नहीं बनाएं, उसमें थोड़ा चोकोर होना चाहिए। और साबुत अनाज का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, अंकुरित मूंग खाएं। तो आपकी थाली में रोटी और चावल की मात्रा कम होनी चाहिए, और सलाद, हरी सब्जी, दही और दाल, इसकी मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये आपके शुगर लेवल को कम करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने भी अपना ब्लड टेस्ट करवाया और उसमें आपका शुगर लेवल 140 से 200 के बीच में आया है, तो आप प्री डायबिटिक हैं, यानी कि आप बॉर्डरलाइन डायबिटिक हैं। तो आपको इन 5 चीज़ों का खास ध्यान रखना है। अपना वजन कम करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपनी डाइट में फाइब्रस फूड, हरी सब्जियां और साबुत अनाज को शामिल करें, फैटी डाइट और मिठाई को एकदम बंद कर दें, और अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को बिल्कुल बंद कर दें। और हाँ, इसके साथ साथ आपको रेगुलर 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं तो इससे भी आपका इंसुलिन हार्मोन का डिस्टरबेंस होता है, और ये भी डायबिटीज़ का एक कारण बनता है। तो आप रेगुलर समय पे सोएं, सुबह जल्दी उठें, मॉर्निंग वॉक पे जाएं और रेगुलर दिनचर्या फॉलो करें। तो आप अगर प्री डायबिटिक भी हैं, तो आपको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरे इस वीडियो से आपको डायबिटीज़ के बारे में समझ में हेल्प मिली होगी। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर को भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।